सो हेलो गाइस, क्रेजी अपडेट हियर। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे CRGB मोबाइल बैंकिंग के बारे में। CRGB मोबाइल बैंकिंग में ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखना सीखेंगे। अगर आप भी CRGB मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हो, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखना चाहते हो, तो आज की वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देख लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर लेना, साथ में शेयर कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसा ही यूजफुल कंटेंट मिलता रहे। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ उससे आप आसानी से अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को देख पाओगे, एंड जो तरीका मैं बताने वाला हूँ उससे आप अपना एक साल की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को देख पाओगे। सो कैसे देखते हैं आगे आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। सो सबसे पहले आप अपना CRGB मोबाइल बैंकिंग ओपन करना होगा। CRGB मोबाइल बैंकिंग ओपन करेंगे, ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमें इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, फिर आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर अपना MPIN एंटर करना होगा। सो यहाँ पर MPIN एंटर कर लेंगे। मैंने अपना MPIN एंटर कर लिया, आप भी अपना MPIN एंटर कर लेना। एंटर करने के बाद सिंपली आपको इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हमारा CRGB मोबाइल बैंकिंग ओपन हो चुका है। सो पहला तरीका आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है अकाउंट नंबर। अगर इस पर आप क्लिक करोगे तो देख सकते हो इस तरह का एक नया इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन है मिनी स्टेटमेंट का, इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पर ट्रांजैक्शन आ जाएगा, यानी कि जो हमने ट्रांजैक्शन किया है मिनी स्टेटमेंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर 10 ट्रांजैक्शन दिखाया गया है। अगर आप 10 ट्रांजैक्शन देखना चाहते हो तो यहाँ पर से देख सकते हो जो रिसेंट आपने किया है 10 ट्रांजैक्शन, यहाँ पर शो हो जाएगा। सो यह पहला तरीका हो चुका है। अब यहाँ से बैक कर लेंगे और बैक करने के बाद वही डैशबोर्ड में वापस आ जाएंगे। एंड देख सकते हो सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है माई अकाउंट्स का, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक कर लेंगे एंड यहाँ पर देख सकते हो लिखा है अकाउंट स्टेटमेंट, आपको इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो देख सकते हो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। अब सिंपली देख सकते हो यहाँ पर लिखा है करेंट पीरियड ऑल ट्रांजेक्शन विथ इन 3 मंथ्स बींग डिस्प्लेड, यानी कि अगर आप जनरेट पर क्लिक कर दोगे तो जो 3 महीने का ट्रांजेक्शन है उसे आप देख पाओगे। एंड नीचे लिखा है देखिए स्पेशल पीरियड डेट रेंज स्टेटमेंट कैन नॉट एक्सक्लूड 12 मंथ, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप डेट सेलेक्ट करके आसानी से 12 मंथ का ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देख पाओगे। अगर हम 3 महीने का देखना चाहते हैं तो देख सकते हो यहाँ पर जनरेट का ऑप्शन दिया हुआ है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा और देख सकते हो इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है व्यू द ट्रांजेक्शन्स, आपको इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर क्लिक करके आप अपने 3 महीने का ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देख पाओगे। 3 महीना बहुत होता है, 3 महीने में आपने जितना भी वर्क किया उसे आप आसानी से यहाँ पर से सर्च करके देख सकते हो। जितना भी हमने ट्रांजेक्शन किया उसका यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है, तो देख सकते हो जितना भी हमने ट्रांजेक्शन किया उसका यहाँ पर डिटेल आ चुका है। तो आप भी इसी तरीके से अपना ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को देख पाओगे। सो सिंपली यहाँ से बैक कर लेंगे और देख सकते हो यहाँ पर एक ऑप्शन और है अकाउंट समरी का, इस पर अगर आप क्लिक कर दोगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। वही इंटरफेस जो हमने पहले आपको बताया था मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन आ चुका है, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से क्लिक करके आप ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को फिर से देख पाओगे। सो सिंपली यहाँ से बैक कर लेते हैं और वहीं डैशबोर्ड में फिर से हम वापस आ जाएंगे। एंड यहाँ पर एक और भी ऑप्शन है इंक्वायरीज का, देख सकते हो इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आप ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देख पाओगे। यहाँ पर भी लिखा है ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, जो आप ट्रांजेक्शन हिस्ट्री करोगे यहाँ पर भी आप उसे देख पाओगे। सो इसी तरीके से आप अपना CRGB मोबाइल बैंकिंग का जितना भी वर्क किए हैं उसे आसानी से देख पाओगे, ट्रांजेक्शन किए हैं उसे देख पाओगे। स्वाइप पास का डूब अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लेना, साथ में शेयर कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसा ही यूजफुल कंटेंट मिलता रहे। चलिए आज के वीडियो को यहीं एंड कर लेते हैं।